सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था गांधी जी के बारे में एक लेसन इंडिगो नाम से, और इसके बाद का जो लेसन है आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले का लेसन अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो लेसन का दिखाई देगा। फर्स्ट पार्ट जो है उसका लेसन को समझें, उसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करें। तो यहाँ से पहले हमने देखा कि गांधी जी ने किस प्रकार चंपारण के किसानों के ऊपर होने वाले नील की खेती से संबंधित जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा था उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया और इस मामले को कोर्ट तक लेकर गए। तो यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे इस लेसन के बारे में डिटेल से कि किस प्रकार किसानों के बारे में जो संघर्ष है गांधी जी का वो आगे भी जारी रहा उनके लिए। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंटेड, और जब कोर्ट जो है वो फिर से शुरू हुई, रिकन्वेंट हुई, यानी कि रिकन्वेंट मीन्स होता है पुनः शुरू होना, दोबारा शुरू होना। जब कोर्ट जो है वो फिर से शुरू हुई तो गांधी जी जो है उनको कोर्ट में फेस होने के लिए कहा गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया कि आपने राजद्रोह किया है और अंग्रेजों की जो सरकार है उसके आदेशों को नहीं माना है। तो इसके लिए गांधी जी के ऊपर एक मुकदमा जो है वो चलाया गया, लेकिन गांधी जी जो है वो अपने फैसले पर अडिग थे और उन्होंने कह दिया कि हम इस प्रकार के जो फालतू आदेश हैं उनको नहीं मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसका विद्रोह कर दिया। और जब कोर्ट जो वो रिकन्वेंट हुई, रिकन्वेंट हुई वहाँ पर फिर से शुरू होना, यानी तो जज ने सैड कहा कि वुड नॉट बी डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि हम लोग जो है वो कुछ टाइम लेंगे, सेवरल मीन्स होता है अनेकों दिनों तक टाइम लगेगा इसका फैसला आने में। मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन लिबर्टी, और इस दौरान मीनवाइल मीन होता है के दौरान, इस दौरान गांधी जी को अलाउ किया गया, परमिशन दे दी गई कि गांधी जो वो लिबर्टी के साथ में रह सकते हैं। लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्र रहना, फ्रीडम के साथ में रहना, गांधी जी के ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी जो वो नहीं रहेगी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजहूर हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब यहाँ तक राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर बाबू जो है और मौलाना मजहरुल हक नाम के कुछ लॉयर जो है, वकील जो है, वो आ गए थे। प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, वेल नोन, अच्छी तरह से जाने माने लॉयर जो है वो बिहार से आ गए थे और दे कन्फर्ड विद गांधी जी, और उन्होंने भी आकर के इस आंदोलन के अंदर जुट गए और गांधी जी से कहा कि हम लोग आप क्या करेंगे, आपके साथ में कन्फर करेंगे। कन्फर मीन्स होता है विचार विमर्श करना, मामले के ऊपर राय जानी गांधी जी की, वो क्या सोचते थे। वट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, कि अगर आपको जेल के अंदर भेज दिया जाता, सेंटेंस मीन्स होता है जेल में भेजना, प्रिजन मीन्स जेल। गांधी जी ने गांधी जी से पूछा, वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, और जो सीनियर लॉयर है उन्होंने रिप्लाई किया, उत्तर किया कि क्यों, उन्हें गांधी जी को जेल में क्यों भेजा था, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि हम लोग यहाँ पर आए हैं आपको एडवाइज करने के लिए, सलाह देने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। इफ यू वेंट टू जेल दे वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, और अगर वहाँ पर गांधी जी को कहा गया कि अगर आप जेल में चले जाते हैं किसी भी कारण से तो आंदोलन को अगुवाई करने वाला कोई भी नहीं होगा, नोबडी विल बी देयर टू रिटेन द मोमेंट, कि इस आंदोलन को बनाए रखने वाला कोई नहीं होगा और हम एडवाइस किसे देंगे और हमें मजबूरन वापस घर पे जाना होगा। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी जी डिमांडेड। तो गांधी जी इस बात के ऊपर कहते हैं कि आप लोग मेरे ऊपर आश्रित नहीं रहें, जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के रूप में, जो किसान कर रहे हैं, बटाईदार के रूप में काम कर रहे हैं जो उन किसान, उनके बारे में सोचें आप, उनके साथ में क्या होगा। और जो लॉयर जो है विड्रू टू कंसल्ट, और इस बात के ऊपर जो लॉयर्स वहाँ से आए थे वो थोड़ा विड्रू कर गए, विड्रू मीन्स होता पीछे खिसक जाना, अपने फैसले से पीछे हट जाना।
तो वो अपने फैसले से थोड़ा पीछे हट जाते हैं और जो उन्होंने कंसल्ट किया था, विचार विमर्श किया था, उसे राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद जी रिकॉर्ड करते हैं जो लॉयर्स है वो जितना भी कंसल्टेशन उन्होंने दिया, विचार विमर्श उन्होंने दिया था, उस सब कंसल्टेशन को राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो रिकॉर्ड करते थे कि उसका जो अपशॉट है, अपशॉट मीन्स होता है रिजल्ट, परिणाम, क्या क्या परिणाम निकल रहा है कंसल्टेशन का। दे थॉट, उन्होंने सोचा अमंगस्ट देमसेल्फ दैट गांधी जी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि हम लोगों के बीच, अमंगस्ट मीन्स होता के बीच, हमारे बीच में गांधी जी जो है वो टोटली स्ट्रेंजर है, अजनबी है बिल्कुल। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयारी कर ली। देखो हम पीछे हट रहे हैं लेकिन गांधी जी किसी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, वो हमारे लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी बातें जो सोचते हैं कि भाई देखो हमारे लिए गांधी जी किस प्रकार से जेल में जाने के लिए तैयार तक बैठे हैं, सेक मीन्स तक की खातिर, कि इन किसानों के लिए गांधी जी जेल जाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अजनबी है फिर भी। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बींग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, अगर वे दूसरी तरफ हम लोग न केवल रेजिडेंट है, यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पर रहते हैं, यानी कि रेजिडेंट मीन्स होता है निवासी, एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मीन्स होता है आसपास के जिलों के हम लोग निवासी हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज रीजन्स, लेकिन हम लोग वो लोग हैं साथ में जिन्होंने ये दावा किया है। बार बार हम लोग दावा करते हैं कि हम लोग सेवा में तैयार रहे हैं, इन पीजेंट्स की, इन किसानों की सेवा के लिए तैयार रहे हैं, लेकिन शुड गो होम, और हम लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। इट वुड बी शेमफुल डिजर्ट, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, बिल्कुल शर्मिंदगी से भरा हुआ शेमफुल होगा कि हम लोग अपने फैसले से पीछे हट जाएं। और यह उन किसानों के साथ में क्या होगा, एक प्रकार का डिजर्शन होगा। डिजर्शन मीन्स होता है धोखा, हम लोग किसानों के साथ में धोखा कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि गांधी जी अगर आप जेल चले जाओगे तो हम घर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो अपने आप फैसलों के ऊपर शर्मिंदा होते हैं। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू इन टू जेल। अकॉर्डिंगली इसी अनुसार वापिस वे मंत्रणा करते हैं और गांधी जी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं तो हम भी आपको फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे इन टू जेल। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, इस प्रकार से जो बैटल थी, जो युद्ध उन्होंने छेड़ा था अन्याय के खिलाफ चंपारण का, इज वॉन ही एक्सक्लेम्ड, और इसी के साथ में गांधी जी जो वो एक्सक्लेम करते हैं विस्मय के साथ में, कहते हैं कि भाई इस प्रकार से आप लोग अगर तैयार रहोगे तो हम लोग चंपारण का ये युद्ध अवश्य ही जीत लेंगे। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इन टू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। तब उन्होंने एक टुकड़ा लिया, कागज़ का एक टुकड़ा लिया, एक पेपर लिया, एक पेज लिया, यानी डिवाइड किया ग्रुप्स के अंदर इन टू द पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और वो ऑर्डर उन्होंने लिखा जिसके अंदर लिखा गया था कि ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, कि किस क्रम के अंदर ये तय किया गया कि उन्हें गिरफ्तारी देनी थी। हर किसानों के कुछ ग्रुप बनाए गए और उनको कहा गया कि आपको इस ग्रुप के रूप में आपको किसानों को जेल में जाना होगा और मैं गिरफ्तारी दूंगा, उसके बाद में आप भी जेल भरो आंदोलन जो है वो चालू कर रखेंगे। सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, अनेकों दिनों के बाद में गांधी जी को प्राप्त हुआ एक लिखित रूप में मैसेज जो है वो, कम्युनिकेशन जो है वो प्राप्त हुआ। वहाँ पर कम्युनिकेशन मीन्स होता है संदेश, मजिस्ट्रेट जो न्यायाधीश थे उनकी तरफ से एक संदेश आया उनको इन्फॉर्म करते हुए दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के प्रोविंस मीन्स होता प्रांत, उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो केस जो है वो टू बी ड्रॉप्ड, कि केस को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैज ट्रम्फेड, और इस प्रकार से ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, ये क्या कर लिया गया,
इसकी ट्रिम्फेंट हो गई। ट्रिम्फेंट मीन्स होता है जीत होना। इस प्रकार से जो सविनयावज्ञा आंदोलन था वो ट्रम्फ्ड हो गया, जीत विजय हुई इसकी, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। और पहली बार आधुनिक भारत के अंदर ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों को अपने हथियार भारतीयों के सामने डालने पड़े। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू द कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ फार्मर्स। अब गांधी जी और उनके साथ में जो किसानों के जो नेता थे, जो लॉयर्स थे सॉरी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना, कि हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे और कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट मीन्स होता है व्यवस्थित रूप से आयोजित करना किसी चीज़ को। हम व्यवस्थित रूप से आयोजित करेंगे ए फार फ्लंग। फार फ्लंग मीन्स होता है व्यापक स्तर पर, बहुत अधिक बड़ी या व्यापक लेवल के ऊपर इंक्वायरी करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे इस मामले की, इनटू द ग्रीवेंस ऑफ फार्मर्स। ग्रीवेंस होती है शिकायत, जो ग्रीवेंस आ रही है, शिकायत आ रही है किसानों की, तो किसानों की जांच पड़ताल को अच्छे तरीके से देखा जाएगा और उनकी जांच पड़ताल के ऊपर, शिकायतों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने डिसीजन लिया, डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजन्स। और इसके बाद जो है वो बयान लिए गए, डिपोजिशंस लिए गए। डिपोजिशंस मीन्स होता है बयान, बयान दर्ज किए गए। 10,000 पीजन्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस। और कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां जो है वो लिखी गई, नोट्स जो है वो लिखे गए। दूसरे जो एविडेंस मिले थे वहाँ पर, गवाह या बयान जो मिले थे, एविडेंस जो मिले थे, सबूत। डॉक्यूमेंट वर कलेक्टेड, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट किए गए। और द होल एरिया, जो पूरा एरिया जो है वो थ्रॉब्ड हो गया विद एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। पूरा एरिया जो है वहां पर जो कार्रवाई चल रही थी गांधी जी के द्वारा, उस कार्रवाई के तौर पर पूरा एरिया जो है वो भीड़ से भर गया। थ्रॉब मीन्स होता है बहुत ज्यादा कांपना। दहल उठा, कांप उठा एक्टिविटी के साथ में। और जो इन्वेस्टिगेटर थे, जितने भी अन्वेषक थे, जांच करने वाले थे, जो थे लोग थे, इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है जांच करने वाले या अन्वेषण करने वाले। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और सारे जो प्रचंड रूप पर, वेहमेंट मीन्स होता है प्रचंड रूप से जो विरोध हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था लैंडलॉर्ड के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, तो उस कार्रवाई से पूरा क्षेत्र जो वो दहल गया। जून के अंदर गांधी जी जो है उन्हें समन किया गया, सर एडवर्ड गेट द ल्यूटेंट गवर्नर। और जून के अंदर वहाँ के जो एडवर्ड गेट जो थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस क्षेत्र के, उनके द्वारा उन्हें बुलाया गया। बिफोर ही वेंट टू मेट लीडिंग एसोसिएट अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। इससे पहले कि गांधी जी उनसे जाकर मिलते, मेट करते, मिलते उनसे जाकर के, तो इससे पहले ही उनको कहा गया कि आपने जो है वो एक प्रकार फिर से क्या किया है, डिसोबीडियंट किया है, सिविल सविनयावज्ञा जो आंदोलन जो वो किया है, तो ये हमारे नियमों के खिलाफ है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एडवर्ड गेट जो है उन्हें बुलाते हैं, और गांधी जी जब उनके जाके मिलते हैं, तो इससे पहले ही जो उनके एसोसिएट जो थे, सहयोगी थे, और अगेन लेट डिटेल प्लान, उन्होंने प्लान बनाया कि किस प्रकार से हमें सविनयावज्ञा आंदोलन फिर से करना होगा इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। अगर गांधी जी वहाँ से वापस नहीं लौटते, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, तो हमें एक बार फिर से सविनयावज्ञा आंदोलन जो वो करना होगा। गांधी हैड फोर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द ल्यूटेंट गवर्नर। गांधी जी जो है उनके लंबे लंबे जो है प्रोकेटेड मीन्स होता है लंबे, अत्यधिक लंबे इंटरव्यू हुए उनके वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर। और इसके बाद एक अपॉइंट किया गया, अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त किया गया, आधिकारिक रूप से एक आयोग बिठाया गया। कमीशन मीन्स होता है आयोग,
जांच इंक्वायरी मीन्स जांच आयोग बिठाया गया इंडिगो के शेयर क्रॉपर के बारे में, कि भाई जांच पड़ताल के लिए आयोग बिठाया गया कि भाई किसानों की क्या समस्याएं हैं उनके ऊपर जाकर के वास्तविक जो सिचुएशन है वहां की उससे जाकर अवगत कराए। तो अंग्रेज सरकार ने एक आयोग जो वो गठित कर दिया नीचे झुकते हुए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड गांधी जी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और ये जो कमीशन बिठाया गया था वहाँ पर एक आयोग जो है वो बिठाया गया था, ये क्या था, एकमात्र सोल प्रतिनिधित्व था। सोल मीन्स होता है एकमात्र, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है प्रतिनिधित्व, यह एकमात्र प्रतिनिधित्व था उसके अंदर। एकमात्र प्रतिनिधित्व के अंदर कौन थे, गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधित्व थे किसके, किसानों के, बाकी जो है लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। गांधी जी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इन इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ। और इस प्रकार से गांधी जी जो है वो आरंभिक प्रारंभ के अंदर, इनिशियल मीन्स होता प्रारंभिक, अनइंटरप्टेड बिना हस्तक्षेप के बिना रोक टोक के लगभग 7 महीने तक गांधी जी वहाँ पर रहे। तब अगेन दोबारा सेवल शॉर्टेड विजिट, उन्होंने कई बार फिर से वहाँ के चंपारण के अंदर आकर विजिट किया, किसानों के बारे में समस्याएं सुनी उनकी। तो गांधी जी बार बार चंपारण के अंदर आते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इटर्निटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट्स इन द एक्सेप्शन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज ऑक्यूपीड almost a years of Gandhi's life. The visit जो उन्होंने विजिट किया, भ्रमण किया जो उन्होंने वहाँ पर अंडरटेक की थी किसानों के साथ में आकर के, तो ये जो उनकी विजिट जो थी, अंडरटेक मीन्स होता लेना या करना, अंडरटेक कैजुअली बिना गंभीरता के यानी औपचारिक रूप से। The visit undertake casually on the इटरिटी ऑफ अनलेटर्ड पीजेंट्स, जो ये उनकी जो बिल्कुल औपचारिक सी जो यात्राएं थी, ये एक प्रकार की रिक्वेस्ट थी उनकी, इटरिटी थी बिना अनपढ़, अनलेटर्ड मीन्स होता अनपढ़ किसानों के लिए। एक्सेप्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, और उनकी ये वहाँ पर एक्सेप्टेशन थी, आकांक्षाएँ थी, लोग उनसे ऐसी उम्मीद रखते थे कि ये कुछ दिनों तक चलेगी, कि वो वहाँ गांधी जी वहाँ पर रुके उनके साथ में रहें। ऑक्यूपेड ऑलमोस्ट ए ईयर्स ऑफ गांधी जी लाइफ, और उन्होंने किसानों के इस आंदोलन ने ऑक्यूपेड धारण करना या ले लेना, गांधी जी के जीवन का एक वर्ष वहाँ पर बीता इन किसानों के लिए लड़ते हुए। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, तो जो ऑफिशियल इंक्वायरी जो बिठाई गई थी उसने असेंबल किए, इकट्ठा किए कुछ ऐसे सबूत जो है, असेंबल मीन्स होता है इकट्ठा करना। क्रशिंग माउंटेन, क्रशिंग मीन्स होता है ठोस माउंटेन, बहुत बड़ी मात्रा में एविडेंस जो है वो मिले अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो बड़े बड़े जमींदार थे वहां पर, बड़ी खेती करने वाले लोग थे जो छोटे किसानों का शोषण करते थे, उनके खिलाफ काफी मात्रा में सबूत जो वहां पर मिले। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्री इन प्रिंसिपल, और जब इसको देखा गया तो वो सहमत हो गए कि सैद्धांतिक रूप से टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, कि किसानों को उनका रिफंड दे दिया जाएगा जो बिंटाईदारी पर नील की खेती करने के लिए उनको, जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने पैसे जो है वो नील की खेती से फ्री होने के लिए चुका दिए थे, तो वो पैसे उनको वापस देने के लिए, रिफंड देने के लिए सरकार जो वो सहमत हो गई। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी, लेकिन गांधी जी से पूछा गया कि भाई कितने रुपए जो उनको वापस चुकाए जाएं। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसिटिवली एक्सोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, उन्होंने सोचा कि गांधी जी डिमांड करेंगे रिपेमेंट इन फुल, कि फुल पूरी पेमेंट जो है वो उनको वापिस दी जाए, जितनी पेमेंट उनसे ली गई थी वो सारी पेमेंट उनको वापस कर दी जाए। विच दी हैड इलीगली, इलीगली मीन्स होता अवैध तरीके से, गलत तरीके से उन्होंने, जो गैरकानूनी तरीके से उन्होंने जो पेमेंट ली थी वहाँ पर, वो सारी पेमेंट उनको वापस दे दी जाए। डिसिप्लिन मीन्स होता है धोखे से लेना किसी चीज़ को।
जो उन्होंने धोखे से एग्जॉर्ट की थी। एग्जॉर्ट मीन्स होता छीन लेना या ऐंठ लेना, दबा लेना किसी की कोई चीज़। तो धोखे से उन्होंने जो राशि उनकी दबाई ली थी किसानों की, शेयर क्रॉपर्स की, तो वो सारी राशि वो सोच रहे थे कि गांधी जी वापिस मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% राशि लौटाने के लिए कहा। देर ही सीम एडमेंट राइट। रिवेंड जे जेड हॉज ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट द क्लोज रेंज। देर सीम एडमेंट, और वहां पर ऐसा लग रहा था कि जब जो पूरा मामला जो था वो क्या था, उस मामले पर गांधी जी जो है बिल्कुल अडिग थे, एडमेंट थे। एडमेंट मीन्स होता अडिग, अडिग होना। देर ही सीम्ड अडिग। तो जो जे जेड हॉज थे, एक ब्रिटिश मिशनरी थे वहाँ पर चंपारण के अंदर, इनको लगाया गया था कमीशन के अंदर एक अधिकारी के रूप में, जे जेड हॉज, तो इनको वहाँ पर लगाया गया था। तो इन्होंने कहा कि भाई गांधी जी अपने फैसले के ऊपर काफ़ी अडिग है, और किसानों के साथ में जितना भी अन्याय हुआ है उसके लिए वो पूरा डिमांड करेंगे, और इसको हमें उतनी राशि जो है उन्हें देनी पड़ेगी चंपारण के किसानों को। हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड, जो कि इस एंटायर मीन्स होता कंप्लीट, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड को बिल्कुल पास से देखा था, क्लोज रेंज से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, ही द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एग्जेंट ऑफ 25% एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। थिंकिंग प्रोबेबली, उन्होंने सोचा कि शायद, प्रोबेबली मीन्स होता शायद, उन्होंने सोचा कि शायद जो है गांधी जी जो है वो क्या करेंगे, गिव वे कर देंगे, यानी कि हिम्मत हार जाएंगे, लास्ट में छोड़ देंगे, उम्मीद कि भाई जितना पैसा आई उतना ही ठीक है। ही वुड नॉट गिव वे दर सॉरी कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सॉरी द रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि थे प्लांटर्स के, उन्होंने ऑफर किया टू रिफंड, कि हम लोग रिफंड कर देते हैं, एग्जेंट ऑफ 25%, कि केवल जो एक लिमिट है, एक सीमा जो है, एक्सटेंट मीन्स होता है सीमा लिमिट, एंड टू ही अमेंडमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और उनको इस एक प्रकार से क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, अमेजमेंट हुआ कि मिस्टर गांधी जो है उन्होंने क्या किया, इस प्रकार की बात को क्या कर लिया, मान लिया, टुक हिम एट हिज वर्ड्स, जमींदारों के प्रतिनिधि की बात जो है वो पकड़ ली, अर्थात मान ली, और इस प्रकार से जो है वो ये डेडलॉक जो है, डेडलॉक मीन्स होता है गतिरोध, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया किसानों के और जो बिग प्लांटर जो थे उनके बीच में जो गतिरोध था वो टूट गया। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, और ये जो सेटलमेंट थी, ये समझौता जो था, सेटलमेंट मीन्स होता समझौता, ये समझौता जो है वो अडोप्ट कर लिया गया, मान लिया गया, यूनिमसली मीन्स होता निर्विरोध, यूनिमसली निर्विरोध तरीके से कमीशन के द्वारा। गांधी जी ने एक्सक्लेम किया, व्याख्या करते हुए बताया कि ये अमाउंट जो है रिफंड की वाज लेस इम्पोर्टेंट दैट द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लिक्ड, कि भाई राशि जो है चाहे आपको कम मिली है लेकिन जो मामला हम लोग जीते हैं, ये राशि जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेस इम्पोर्टेंट है, बहुत कम इम्पोर्टेंट है, परंतु फैक्ट ये मायने रखता है कि जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार जो थे, हैड बीन ऑब्लिक्ड, उनको ऑब्लिक किया गया है, मजबूर किया गया है सरेंडर करने के लिए पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, ओके, उसके साथ में उनको अपना जो प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा जो है वो देनी पड़ी। प्रेस्टीज मीन्स होता प्रतिष्ठा। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, और इसीलिए जहाँ तक हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ तक किसान जो है वो बिल्कुल कंसर्न्ड थे, बिल्कुल एकदम से पुख्ता दृढ़ निश्चय थे कि हम लोग जो है वो द शेयर प्लांटर को साथ में बिहेव जो हमने किया है लॉर्ड्स के साथ में अब द लॉ, कि भाई हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर हमारी विजय प्राप्त होगी। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट एंड द डिफेंडर, अब किसान भी जान गए थे कि हमारे पास में भी कुछ ऐसे अधिकार हैं, राइट है, जिससे हम लोग डिफेंड कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। ही लर्न्ड कॉलेज,
और वहां के किसान ने अपने खोए हुए साहस को फिर से प्राप्त कर लिया था कि हमारे खिलाफ हो रहे अन्याय को हम लोग नहीं सहन करेंगे। इवेंट जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, इस इवेंट ने, इस घटना ने जस्टिफाई कर दिया, इवेंट मतलब घटना, इस घटना ने जस्टिफाई किया गांधी जी की पोजीशन को, गांधी जी की जो स्थिति थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उसको और अधिक मजबूत किया। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन्ड देयर एस्टेट्स, और कुछ ही वर्षों के अंदर ब्रिटिश प्लांटर जो है वहाँ उन लोगों ने क्या कर दिया, अबेंडेंट कर दिया, त्याग कर दिया, अबेंडेंट होता त्याग कर देना, अबेंडेंट त्याग कर दिया स्टेट को, वहां के प्रांत को, और विच रिवर्टेड, जिन्होंने क्या कर दिया, लौटा दिया, रिवर्ट मीन्स होता लौटा देना टू द पीजेंट्स, और वो जमीने जो है वो किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इस प्रकार से इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, गायब हो गई। तो ये प्रथा जो है वो खत्म हो गई, किसानों के ऊपर अत्याचार जो है खत्म हो गई। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद ए लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, गांधी जी अपने आप को कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं करते थे, अपने आप को संतोष नहीं देते थे कि मुझे किसी प्रकार से लार्ज बड़ी पॉलिटिकल राजनीतिक पॉइंट चाहिए या कुछ और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक सॉल्यूशन, समाधान। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड बैकवर्डनेस इन द चंपारण, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है चंपारण के अंदर, कि चंपारण के किसान एकदम से पिछड़े हुए थे। तो इस बात को गांधी जी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट द इट इमीडिएटली, और इसके बारे में वो कुछ तुरंत ही करना चाहते थे। इमीडिएटली मीन्स होता तुरंत, इसके बारे में गांधी जी तुरंत ही कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अपील किया वहाँ के टीचर से, महादेव देसाई एंड द नरहरी पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी जी एज ए डिसिपल। तो महादेव देसाई और नरहरी पारिख नाम के दो यंग मैन थे, उन्होंने अभी ज्वाइन किया था गांधी जी को एक डिसिपल के रूप में, शिष्य के रूप में। एंड वे देयर वाइफ्स, और उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने वॉलेंटरी स्वयंसेवक रूप से काम करने के लिए तैयार हो गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत सारे अन्य लोग भी बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। डिस्टेंट मीन्स होता दूर, बहुत दूर दूर के कोने से लोग वहाँ पर आए। देवदास, गांधी जी के जो यंगेस्ट सन थे, सबसे छोटे बेटे थे देवदास, वो अराइव पहुँचे फ्रॉम द आश्रम, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इसी प्रकार श्रीमती गांधी जी जो है वो वहाँ पर आई। प्राइमरी स्कूल जो है वो खोले गए वहाँ पर, 6 विलेज है गाँव के अंदर चंपारण के अंदर। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीनलीनेस, कस्तूरबा गांधी जो है श्रीमती गांधी वो सिखाती थी आश्रम के अंदर कुछ रूल नियम जो है, पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता, कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, सामुदायिक स्वच्छता जो है, सैनिटाइजेशन मतलब स्वच्छता। हेल्थ कंडीशन वर मेजरेबल, उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों की हेल्थ कंडीशन जो है वो मेजरेबल थी, बहुत दयनीय थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलेंटर ही सर्विस, गांधी जी ने एक डॉक्टर को कहीं से व्यवस्थित किया कि वो स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं दें 6 महीनों की। देन 3 मेडिसिन मेडिसिन वर अवेलेबल, वहाँ पर केवल 3 ही प्रकार की मेडिसिन जो अवेलेबल थी, एक तो कैस्टर ऑयल था वो अवेलेबल था, कुनेन की कुछ गोलियां जो बुखार वगैरह के लिए यूज़ किए जाते, कैस्टर ऑयल, नारियल का तेल, सॉरी अरंडी का तेल, एंड सल्फर ऑइंटमेंट जो है लेप के रूप में लगाई जाती थी। तो ये 3 प्रकार की दवाइयां वहां पर अवेलेबल थी। एनीबॉडी हु सॉल्वड ए कॉटेज टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देते थे कि उनके जो जीभ है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोट जो वो दिखाई देता तो उसे डोज दी जाती कैस्टर ऑयल की। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर, किसी के मलेरिया फीवर हो जाता तो उसे कुछ कुनेन प्लस की गोलियां दी जाती और कैस्टर भी दिया जाता साथ में। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी के स्किन से संबंधित गड़बड़ी जो वो मिलती थी तो उसे अरंडी के तेल के साथ में कैस्टर ऑयल के साथ में एक डोज दी जाती। इरप्शन मीन्स होता है फोड़े फुंसी, इरप्शन उसे
ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल जो है वो हर कंडीशन में दिया जाता था, साथ में ऑइंटमेंट जो है वो दिया जाता। गांधी जी ने नोटिस किया फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथेस, फिल्थी मीन्स बदबूदार या गंदे कपड़े, कि महिलाओं के कपड़े गंदे थे। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू अबाउट देम, उन्होंने जाकर कस्तूरबा से कहा कि वो उनके पास में जाएं, और गांधी जी ने कहा कि आप उनसे बात करें। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हेड हट एंड सेड, एक महिला कस्तूरबा गांधी को अपने झोंपड़ी में लेकर जाती है और कहती है लुक देयर इज नो बॉक्स, कि यहाँ पर हमारे पास में कोई बॉक्स जो है वो नहीं है, और कपबोर्ड नहीं, कोई अलमारी है या कुछ ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर हम लोग अपने कपड़े रख सकें। द साड़ी आई एम वीरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और मेरे पास में एक ही साड़ी है जो मैंने पहन रखी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस, और अपने चंपारण में रहने के दौरान गांधी जी ने एक लंबी दूरी जो वो रखी, डिस्टेंस वॉच जो वो निगरानी रखी ऑन द आश्रम, लंबी दूरी से भी वो नज़र बनाए रखते थे अपने आश्रम के ऊपर, यानी उनका थोड़ा ध्यान अपने आश्रम के ऊपर भी रहता था। ही सेंट ए रेगुलर इंस्ट्रक्शन, लगातार वो कुछ निर्देश जो वो भेजते रहते थे, मेल भेजते रहे, डाक भेजते थे अपने आश्रम के अंदर, एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो वित्तीय लेखा जोखा है वो रखा जाए आश्रम का सही तरीके से। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैटरिन ट्रेंचेज एंड डिग न्यू वंस, एक बार उन्होंने आश्रम के अंदर संदेश भेजा कि वहाँ के जो रेजिडेंट थे, वहाँ पर रहने वाले लोग थे, उनको कहा गया कि अब टाइम आ गया है टू फिल इन द ओल्ड लैटरिन ट्रेंचेज, कि जो पुराने जो शौचालय के जो ट्रेंच थे, खड्डे जो थे वो भर गए हैं, उनको जगह पर नए खड्डे जो है वो खोदे जाए, एंड अदरवाइज द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुराने वाले खड्डे जो है वो बिगिन टू स्मेल बैड, बुरी बदबू जो है वो आने लगेगी। तो इस प्रकार से गांधी जी जो है वो थोड़ा ध्यान जो है अपने आश्रम के ऊपर भी बना के रखते थे। तो ये गांधी जी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर चंपारण में रहते हुए भी अपने आश्रम के ऊपर भी ध्यान रखा। जो चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, चंपारण का ये घटनाक्रम गांधी जी के बाद जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, उनके जीवन को बदल दिया इसने पूरी तरह से। व्हाट आई डिड ही एक्सक्लेम्ड, कि मैंने क्या किया वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स, मैंने क्या किया है ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, मैंने कुछ खास नहीं किया। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषणा की दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि भाई ब्रिटिश लोग मेरे देश में आकर मुझे आदेश नहीं दे सकते अबाउट मी माई ओन कंट्री। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफिशियंस, लेकिन चंपारण के अंदर जो घटनाक्रम हुआ था तो वो घटनाक्रम किसी प्रकार के अवहेलना को नहीं थी किसी प्रकार से, कि भी चंपारण के अंदर हमने जो किया था वो एक सामान्य घटना थी और इसने एक अवहेलना के जो रिवाज है उसको बिगिन कर दिया, शुरू कर दिया। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, इसने किसी प्रकार से एलिवेट किया यानी कि कम किया, एलिवेट मीन्स होता कम करना, अटेम्प्ट किया, ये एक अटेम्प्ट था कम करने का कि किस प्रकार से एलिवेट किया जाए, कम किया जाए जो डिस्ट्रेस है, तनाव है लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बहुत बड़ी मात्रा में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को किस प्रकार से कम किया जाए। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का एक टिपिकल पैटर्न था। हिज पॉलिटिकल वर इंटरवेंट विद द प्रैक्टिकल, उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी राजनीति जो थी वो क्या थी, इंटरवाइंड थी, बिल्कुल जुड़ी हुई थी, बिल्कुल उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में, व्यावहारिक जीवन के साथ में जुड़ी हुई थी, इंटरट्विंट। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, लाखों लोगों की समस्याएं उनके जीवन के एक हिस्से के रूप में दिखाई देती थी, उनके सारे डिसीजन जो है वो लाखों लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए होते थे। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शंस, कि किसी प्रकार से वो जो काम करते थे वो किसी प्रकार की लॉयल्टी को नहीं दिखाते थे, किसी प्रकार की ऐसी वफादारी को नहीं दिखाते थे कि भाई मैं किसी प्रकार का एब्स्ट्रक्शन कर रहा हूँ, बाधा पहुँचा रहा हूँ। इट वाज द लॉयल्टी टू द लिविंग ह्यूमन बींग, ये मेरी वफादारी जो है वो मानव प्राणी के प्रति है, न कि किसी प्रकार की सरकार के प्रति। इन एवरीथिंग गांधी एंड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड थस मेक इंडिया फ्री, उन्होंने कहा कि
मेरा हर प्रयास यह रहेगा कि मैं एक निर्माण करूँ, मॉल्ड करूँ एक नए मुक्त भारत का, जो कि अपने खुद के पैरों के ऊपर खड़ा हो पाए। इस प्रकार से वो एक फ्री इंडिया का निर्माण करना चाहते थे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन जो प्रारंभ में हुआ था, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा। तो चंपारण के अंदर जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू, ये एक अंग्रेज पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट होता है शांति दूत, एक आदमी जो शांति का प्रतीक हो या शांति चाहता हो। वो एक डिवोटेड बन गए, भक्त बन गए, फॉलोवर बन गए महात्मा गांधी के। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, और ये गांधी जी को अलविदा कहने आए, गोइंग टू टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। जब ये एक टूर पर जा रहे थे फिजी आइलैंड के अंदर, तो वहाँ पर ये आए गांधी जी को अलविदा करने के लिए। गांधी जी के लॉयल फ्रेंड जो थे, उन्होंने सोचा कि इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। और गांधी जी के जो लॉयल थे वो भी सोचते थे कि भाई एंड्रयू जो है वो अच्छा होगा कि हमारे साथ में आश्रम में आकर रहें और हमारी थोड़ी मदद भी करें। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ ही गांधी एग्रीड। एंड्रयू भी इस चीज़ के लिए क्या थे, विलिंग थे, इच्छुक थे, क्योंकि वो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हुए थे चंपारण के अंदर। तो वो चाहते थे कि गांधी जी एग्री हो जाएं तो मैं भी वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। बट गांधी वाज विमिनेंटली अपोज्ड। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, पुरजोर तरीके से क्या कर दिया, विरोध किया। विमिनेंटली मतलब पुरजोर तरीके से अपोज किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इट इन अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड। तुम्हारा ऐसा मानना है, आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे लिए क्या होगा, ये असमान युद्ध है जो हम लड़ रहे हैं, और हमारे लिए ये फायदेमंद होगा कि अगर हमारी साइड में भी कोई इंग्लिश मैन होगा तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस शोज, ये दिखाता है द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। ये दिखाता है कि आपके हार्ट के अंदर वीकनेस है, थोड़ी कमजोरियां हैं, उन्हें आप सही कीजिए। भारतीय लोग भी किसी तरीके से कम नहीं है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रैली अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। जो आपके उद्देश्य है, जो कॉज मीन्स कारण या उद्देश्य है, वो काफ़ी है, और इसी के लिए आपको इसी के ऊपर रिले करना चाहिए, निर्भर करना चाहिए, योर सेल्फ अपने खुद के ऊपर निर्भर करना चाहिए कि आप अपने खुद के द्वारा युद्धों को, लड़ाई को लड़ सकें। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन। तुम्हें किसी प्रकार से प्रॉप नहीं करना चाहिए, प्रॉप मीन्स होता है बेसाखी का सहारा लेना मिस्टर एंड्रयू का, बिकॉज ही हैपन टू ए इंग्लिश मैन, क्योंकि वो इंग्लिश मैन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गांधी जी ने उनकी मदद लेने से मना कर दिया। ही हैड रीड आउट माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारे माइंड्स को करेक्टली पढ़ा है, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, एंड वी हैड नो रिले। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस प्रकार से गांधी जी ने हमारे को बताया कि हमें आत्मनिर्भर होने का, सेल्फ रिलायंस मीन्स होता है आत्मनिर्भर होने का लेसन जो है वो पढ़ाया, कि भाई हमें किसी दूसरे की मदद लेनी नहीं चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भर होना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर काफ़ी निर्भर था। वहाँ के शेयर क्रॉपर जो थे उनके खिलाफ लड़ी गई लड़ाई, इन सब ने आपस में जुड़े हुए थे, बाउंड टुगेदर आपस में जुड़े। लुई फिशर की लिखा हुआ यह लेसन कि किस प्रकार से गांधी जी ने मंडाईदार किसान जो थे, शेयर क्रॉपर इंडिगो की खेती करने वाले, उनके साथ में लड़े और वहाँ के लोगों के लिए एक प्रेरणा बने, उनके जीवन के अंदर किस प्रकार से उन्होंने सुधार किया। तो ये लेसन आज हमने पढ़ा। ये लेसन आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो को अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।